15 करोड़ का भाई फाइन लगाया है फॉर इवेडिंग टैक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस फाइनली इट्स फर्स्ट गुड मॉर्निंग इन द डेली व्लॉग्स, क्योंकि डेली तो मैं इतना ना लेट उठ रहा हूँ क्या बताओ। आज जो है जैसे तैसे करके थोड़ा जल्दी उठा, वो 10:30 बजे उठा था, लेकिन बेड से उठते उठते 11 बजे ही गया। एनीवेज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द लास्ट व्लॉग। इफ़ यू डिडंट वॉच इट, आई बटन में लिंक है, ज़रूर जाके देखें। आज मौसम काफ़ी मस्त लग रहा है, देखते हैं आज होने से कुछ बाहर जाएंगे या फिर कुछ घूमने का देखते हैं सीन, अगर बना तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे अच्छे से। अभी जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, अभी अराउंड 11:45 हो रहे हैं, 12 बजे से ट्यूशन पढ़ाऊँगा बच्चों को, उसके बाद लंच करना है। लंच करने के बाद मैं और रितेश हो सके तो हम लोग कहीं पर जाएंगे, अगर उसका बाइक अवेलेबल हुआ तब, अगर नहीं हुआ अवेलेबल उसके हिसाब से सीन चेंज भी हो सकता है। बाय द वे अभी जस्ट न्यूज़ आया कि जो ओनर थे JPLP के भूटान के अंदर, जो इंडियन है, उनको भूटान गवर्नमेंट ने 154 मिलियन नगल ट्रम का फाइन लगाया है। नगल ट्रम इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू रुपीज, तो मतलब 15 करोड़ का भाई फाइन लगाया है फॉर इवेडिंग टैक्स। लास्ट फ्राइडे को जजमेंट आया एंड द जजमेंट में ये बोला गया कि 1 महीने के अंदर ये पैसा भरना पड़ेगा एंड प्लस 5 ईयर्स प्रिजन टू। ये केस बहुत पहले से मैंने सुन रखा था। EBS जो है, भूटान की जो ऑफिशियल पेज है, उन्होंने ये पोस्ट डाला तो मैंने देखा, और तो मेरा तो भाई सर चकरा गया। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर है एक वो, एंड इतना क्या मतलब इवेट किया होगा टैक्स की उसको सीधा 15 करोड़ का फाइन लगा है। जयगांव बस नाम का छोटा है, जयगांव बस नाम का छोटा है, यहाँ पे लोग काफ़ी बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। जैसे ट्यूशन पढ़ा के बैठा तो वैसे देखा ये व्हाट्सएप में आया है, एंड मैंने क्रॉस चेक भी किया तो वैसे दिखा मुझे ये, तो मैंने सोचा एक बार व्लॉग में बता देता हूँ। अभी मौसम में कुछ भरोसा नहीं लग रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी गर्मी से लग रहा है, इसकी वजह से ह्यूमिड ह्यूमिड सा फील हो रहा है। रितेश को पूछा मैंने तो उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है, एंड उससे भी शायद बिजी हो सकता है। तो देखता हूँ मैं होने से अकेले ही कुछ करूँगा आज, या फिर अगर कुछ हो सका घर में करने को तो मैं घर में ही कुछ कर लूँगा। जब कंटेंट ना हो, ना ही स्टोरी हो, देन द बेस्ट प्लेस आई प्रीफर टू विजिट इज़ दिस प्लेस। यहाँ पे अकेले आ जाता हूँ वॉक पे, एंड जब दोस्त लोग भी साथ में नहीं होते हैं ना, तो नेचर को पीसफुली इंजॉय कर सकते हैं ऐसी जगह में। लेकिन कभी कभी फटके चार भी हो जाती है, ऐसे जगह में ड्रोन होना चाहिए। मुझे तो ड्रोन शॉट का व्यू दिख ही रहा है, प्लस आप लोगों को भी दिख जाता। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं सिर्फ पीसफुल टाइम बिताने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं कंटेंट भी अच्छा नहीं बन रहा था आज, कुछ ना टॉपिक था ना स्टोरी था, जैसे कि मैंने बोला थोड़ी देर पहले, एंड माय फ्रेंड्स वर बिजी टू, सो आई हैड टू कम हेयर अलोन, एंड इसीलिए पैदल भी आना पड़ा। बट इसी बहाने मेरी थोड़ी वॉक भी हो गई, काफ़ी दिन से सोच रहा था वॉक करूँगा, एंड प्रॉपर पीसफुल टाइम भी मिल गया अकेले। समटाइम्स लोन टाइम इज़ रियली गुड, जस्ट लाइक सोलो ट्रैवलिंग, यहाँ पे भी अकेले आना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस मेरे को यही डर लगता है कि मतलब अकेले आऊँगा आपको बोर लगेगा, फील होगा, विच आई डोंट वॉन्ट एट ऑल। एंड पीछे जो बच्चे हैं वो उस टाइम से ये सोच रहे हैं ये ट्राईपोड क्या है, और वो लोग नेपाली में बात कर रहे हैं कि मतलब ये क्या है क्या है और ये क्या कर रहे हैं। अच्छा क्लाउड्स प्रॉपरली नहीं है, वरना टाइम लैप्स इतना मस्त दिखता है, यहाँ से सीन देख सकते हैं आप, पूरा ब्लरी सा है, मिस्ट जैसा है मौसम, एंड बारिश जैसा थोड़ा सा हुआ था इसके वजह से ऐसा मौसम हो गया। अगर फुल क्लाउडी रहता ना, बस सनी नहीं रहता, क्लाउडी क्लाउडी रहता तब बहुत ही मस्त वाला सीन आता, एंड टाइम लैप्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर आता है इसमें। इस टाइम आई शुड लीव फॉर होम नाउ,
शाम हो रही है, अंधेरा होने को है एंड डर का माहौल बना है. नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, आई शुड गेट होम. एंड अकेले म्यूज़िक भी कितना सुनूं, अकेले जो भी बोलो बोर होते ही है. द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू एज सून एज आई गेट होम इज मेक सम जूस ठंडे पानी में, उसके बाद मस्त पीऊँगा क्योंकि रमज़ान में घर में बैठे बैठे अब चलने की आदत कम हो गई है. ऐसा जगह में हैबिचुएट होने के लिए फॉर वॉकिंग एंड ऑल 10 दिन कम से कम लगेगा, और 2 महीना अगर मैंने लगातार कर लिया ना तो पेट पूरा अंदर चला जाएगा. ऐसे भी ऑलमोस्ट अंदर ही है रमज़ान में रोज़ा रखे रखे, अब और फिटनेस आ जाएगी अगर मैं रेगुलर करने लग गया. ओए 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 रुक, मास्क कहाँ है? मामा मास्क नहीं मिल रहा है कब से. मास्क ही नहीं मिल रहा तो नया लो. अब जाके शांति मिली है, शाम के अराउंड 5:30 बज रहे हैं एंड मुझे ये पहन के बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है. अभी जा रहा हूँ, पहले इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पसीना पसीना भी हो गया है. सो आई डोंट लाइक वेयरिंग स्वेटी क्लोथ्स, काफ़ी इरिटेशन सा फील होता है क्योंकि ह्यूमिड वेदर भी है, दैट इज़ वाई. एंड भले ही आज का व्लॉग छोटा बना हो लेकिन बोरिंग ज़रूर नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स लगाया व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. भले ही अब देखो रमज़ान भले ही ख़त्म हो गया हो लेकिन एक चीज़ है कि मैं एटलीस्ट घर से बाहर निकल सकूँगा आराम से बिना थके हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं. थकेगा तो मैं एटलीस्ट पानी पी सकता हूँ एंड घूम सकता हूँ अकेले भी. अगर जिस दिन घर में रहना भी पड़ गया तो भी मैं बच्चों के साथ या फिर किसी के साथ चैलेंज वीडियो या कुछ बना लूँगा जिसके साथ वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाए. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द वीडियोज इंटरेस्टिंग. बस आप लोगों की तरफ से एक ये एफर्ट चाहता हूँ कि आप लोग भी लगातार वीडियोज ऐसे देखते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे. एक लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दिया करें. सो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्केप सोल. मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस अमिगोस, गुड बाय एंड टेक केयर.